अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ मटन चॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़े की और बहुत चटपटी बनकर रेडी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मटन चॉप ली हूँ 1/2 kg, जिसमें 7 से 8 पीसेस है। प्याज 2 टेबल स्पून चॉप करी हुई। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास प्याज ना हो तो आप लोग इसे ना डाले, अगर आप लोग यूज करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नमक 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हमने कुकर में चाप और सारे मसाले और 1 ग्लास पानी डालकर चाप को गलने तक पकाना है। फ्रेंड्स, जब तक चाप गल रही है तब तक हम मैरिनेशन का मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चीजें चाहिए। दही 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप उसकी जगह राइस फ्लावर ले सकते हैं। भुना हुआ बेसन 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, भुना और कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, रेड फूड कलर 1 पिंच। अगर आप लोग रेड फूड कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल में मैरिनेशन का सारा मसाला डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर सेमी थिक बैटर रेडी करूंगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून कोथमीर ऐड करके बैटर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बस हमें ऐसा ही थिक बैटर चाहिए। अब हम चाप को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, चाप में पानी है, हमें इन सारे पानी को हाई फ्लेम कर सुखाना है। चाप का पानी सूख चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा करेंगे और मैरिनेट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ फ्राई के लिए एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दी हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम चाप को डायरेक्ट फ्राई करेंगे। हम ना इसमें अंडा लगाएंगे ना ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, हम डायरेक्ट चाप को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसे सिर्फ हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, क्योंकि हमारी चाप गल चुकी है। अगर हम इसे धीमे धीमे फ्राई करेंगे तो ये फूट जाएगी। हमारी चाप अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मजेदार चटपटी फ्राई चाप बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो ये बहुत मजे की है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुझे भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज।